तो रबिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है भाई। सबसे पहले ये 1500 नंबर का रेक मार हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग सीधा गाड़ी के अंदर से है। ये गाड़ी भाई ब्लेनो है, 2021 मॉडल। व्लॉग नहीं है ये, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है गाड़ी से रिलेटेड। आपको गाड़ी में रबिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। तो ये गाड़ी है 2021 मॉडल ब्लेनो जेटा डेल्टा मॉडल है। और इस गाड़ी को लिए हुए 1.5 साल हो चुका है। विशेष भैया गाड़ी है, एक बार और भी हमने इसको दिखाया अपने चैनल पे। तो भाई आज इस पर छोटा मोटा काम चल रहा है, छोटा सा चेकअप का। तो उसी टाइम हम इस पर रबिंग भी करवा रहे हैं। तो आपको एक बार रबिंग से पहले की वीडियो दिखा देते हैं, गाड़ी में कितना इम्पैक्ट आएगा, कितना फ़र्क आएगा, क्या कुछ रहेगा और कितने पैसे लगेंगे, एक एक पूरी डिटेल में बताएंगे कितने कोट होएंगे, कैसे क्या होती है, पूरी डिटेल वीडियो रहने वाली है रबिंग के ऊपर। तो भाई ये है ब्लेनो का डेल्टा मॉडल, 2021 मॉडल है ये गाड़ी। यहाँ पे इसका स्टिक्कर से भी आपको आइडिया लग गया होगा 2021। और इसकी कंडीशन फिलहाल थोड़ी सी येलो ही सोर के, अभी वॉशिंग करके ही आई थी, ऊपर ऊपर से वॉशिंग हुई थी और थोड़े से डल हो चुका है इसका कलर। ये देखो ये कंडीशन है अभी फिलहाल। और अभी इस पर होने वाली है रबिंग, पूरे रबिंग के एक एक स्टेप दिखाएंगे आपको। अभी स्क्रैच के निशान भी है इस पर, पता नहीं चल रहा, जैसे ये हल्के फुल्के ये निशान है। तो रबिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है भाई। सबसे पहले ये 1500 नंबर का रेगमार, 1500 नंबर है भैया, से हल्के फुल्के स्क्रैच दूर हो जाएंगे भाई। अकेला पानी के साथ लगाते हैं, कोई केमिकल भी होता है भाई इसका? केमिकल डाल रखा पानी में। अच्छा, पानी में ही है क्या केमिकल? ये फर्स्ट स्टेप है अपना भाई रबिंग का। तो भाई ये सेकंड स्टेप है अपना, रबिंग अप्लाई हो चुकी है। इस पर कोई भी कंपनी की आप रबिंग लगा सकते हो। और ये रबिंग पैड के साथ इसको रब करेंगे अब। तो अभी ऑलमोस्ट 50% काम डन हो चुका है गाड़ी में। आप चमक चेक करो, बिल्कुल मिरर इफेक्ट आ गया। उसका आइडिया आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो ये गाड़ी खड़ी है अपनी ब्लेनो जिस पे काम हो रहा है, और ये इधर खड़ी है स्विफ्ट। आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा, और अभी 50% ही काम हुआ है। और ये देखो भाई, यहाँ से देखो इस पे कितना रफनेस आई हुई है, और यहाँ से इस पे देखो बिल्कुल मिरर। इस गाड़ी का जो वहाँ से चलता हुआ आदमी आ रहा है वो भी दिखाई दे रहा है।
और इसके अभी तो 50% भैया 50% और फर्क पड़ेगा क्या अभी? हाँ फर्क पड़ेगा, अभी लगेगी। अभी तो भाई 50% ही काम हुआ है। ये देखो जो ये रहते सारे निशान सब कुछ क्लियर होएगा। ये देखो यहाँ से आप One hour later. तो भाई अभी ये थर्ड स्टेप शुरू हो चुका है अपना, जो भी रबिंग के पार्टिकल होते हैं वो उतर जाएंगे इससे। तो अभी फाइनल हो चुकी है अपनी गाड़ी वॉशिंग होके, बिल्कुल फाइनल फाइनल स्टेप में बस कपड़ा ही रहता है भाई। और ये ग्लॉस चेक करो आप, मेटेलिक पेंट है उसका, बिल्कुल एक एक क्रिस्टल भी दिखने लग गया भाई। दिखाता हूँ आपको छोटे छोटे जो निशान थे, एक कहीं पे भी कोई भी किसी टाइप का निशान नहीं बचा है। तो भाई बिल्कुल फाइनल हो चुकी है अपनी गाड़ी, पूरा प्रोसेस होने में इसको 3 से 4 घंटे लगे। बिल्कुल A1 काम हुआ है, बिल्कुल टॉप क्लास काम हुआ है। और ये देखो भाई आपको आउटपुट मैंने दिखाई दिया है, बिल्कुल ग्लॉस एक नंबर आ चुका है। और रही बात भाई ये करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, गाड़ी को ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं भाई, तो इसका थोड़ा सा कलर येलोनेस हो गया था तो बनता था करवाना। बिल्कुल नई से भी अच्छी लग रही है, जैसे भाई ने ली थी उससे भी अच्छी हो चुकी है भाई गाड़ी। 1500 रुपये है, अगर आपके पास टाइम है तो आप घर पे भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपके पास टूल्स होने चाहिए, आपको थोड़ा बहुत क्लीनिंग ड्राई क्लीनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो भाई 1500 रुपये लगे हैं हमारे। बिल्कुल A1 कंडीशन से क्लोज हो चुका है। तो भाई इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो के अंदर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो कि आपको करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।